स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कल जिन भाइयों का मेरिट लिस्ट में यस हुआ था वो ईशा उदय के केस में, ठीक है। तो उन भाइयों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे यस तो आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट कर जिनके मेरिट लिस्ट के आगे ना तो कैपिटल लेटर में नो आया है, ना उनके आगे यस आया है, ना उस सिर्फ ओनली शो कर रहा है ब्लैंक। तो वो स्टूडेंट वरी है कि सब बच्चों का मेरिट लिस्ट में यस आ रहा है, ठीक है, मेरिट लिस्ट बन गया है, लेकिन मेरे केस में ऐसा क्यों हुआ। ईशा उदय केस में मैंने भी सेम स्कीम अप्लाई किया था, सेम ईयर में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा ब्लैंक शो कर रहा है, तो उसके क्या रीजन है। और जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात आती है कि पेमेंट कब मिलेगा रिन्यूअल वालों का, ईशा उदय में रिन्यूअल वालों का पेमेंट कब मिलेगा, क्या फ्रेश वालों के साथ मिलेगा, क्या अलग टाइम रखेगा, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहने वाली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जिन भाइयों का मेरिट लिस्ट के आगे यस आ चुका है उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके मेरिट लिस्ट में आगे यस आ चुका है, इस प्रकार के स्टेटस आपका दिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एनएसपी 2PF में आपका बहुत जल्द हो जाएगा। अब बहुत जल्द होने का मतलब यह है कि आज मैंने एनएसपी कस्टमर केयर जो ये नंबर है, क्योंकि मिनिस्ट्री का जो नंबर है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं और ना ही उनका कॉल पिकअप हो रहा है, तो मैंने तो मिनिस्ट्री को ही कॉल कर रहा था। तो उसके बाद चलो मैं देखा कि एनएसपी कस्टमर केयर को कॉल कर लेते, तो उन्होंने यही बात बताई, आप भी कर सकते हो चाहे से, तो यही कह रहे हैं कि एनएसपी मेरिट लिस्ट में यस हो गया है, आपको वेट करना है, एक हफ्ते का वेट करना है, एक हफ्ते के अंदर आपका एनएसपी 2PF में हो जाएगा। पीएफएमएस होने का मतलब है कि आपका टोकन नंबर भी जनरेट कर दिया जाएगा और पीएफएमएस से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब यूजीसी की तरफ से ये बात सामने नहीं है, लेकिन वो एनएसपी कस्टमर केयर की तरफ से ये बात सामने आई है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीजें। अब अगर आपका मेरिट लिस्ट का यस हो गया एनएसपी 2PF में, अगर आपका यस हो जाता है, तो आप अपनी जो आईडी है उसको आप रिन्यूअल करने की कोशिश कीजिए। अपनी आईडी रिन्यूअल में सेशन 2023 रिन्यूअल में ओपन करके देखिए कि आपका फॉर्म रिन्यूअल में ओपन हो रहा ही नहीं हो रहा। अगर आपका रिन्यूअल में ओपन हो रहा है तो मैं एक डिटेल वीडियो बना रखा है, फिर भी कल एक वीडियो में डिटेल वीडियो बना दूंगा ईशा उदय के कि कैसे रिन्यूअल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे क्या आपको वेरिफिकेशन करने होंगे, ठीक है, उसके डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो लाइक अगर ड्रॉप होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा लाइक होंगे तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस रहूंगा और काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जिनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है वो क्या करें। तो जिनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है कुछ इस प्रकार के, एस असम 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री दिखा रहा है, एप्लीकेशन मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो मेरिट लिस्ट तो बन गया है, आपको सिर्फ एक हफ्ता और वेट करना है। एक हफ्ते वेट करने का मतलब है कि क्योंकि देखो कभी कभार होता है कि जैसे मेरिट लिस्ट बन रही है, मेरिट लिस्ट बन रही है, सिस्टम को अपग्रेड होने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि ऑफिशियली जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट में नहीं डाला है, ना ही कहीं पे अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। अगर अनाउंसमेंट करता तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट प्रोसेस में आपको वो लिस्ट आपको देखने को मिलता सेशन 2022-23 का, यूजीसी के पोर्टल में आपको देखने को मिलता, लेकिन यूजीसी के पोर्टल में भी नहीं देखने को मिला है। तो मीन्स यही कि एनएसपी ने अंदर वर्क स्टार्ट किया है कि मैंने मेरिट लिस्ट बनाने का प्रोसेस किया है, तो सिस्टम को अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी का जल्दी यहाँ पे मेरिट लिस्ट होने बनने के बाद शो करता है, किसी का टाइम लगता है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 वीक आप वेट कीजिए। जिस बच्चों का ब्लैंक शो कर रहा है उनकी परसेंटेज अच्छी खासी है, अभी मैं ही बताऊंगा कितने परसेंट बच्चों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना स्टार्ट हो, जिससे आपको थोड़ी तसल्ली कहने के मिल जाए, ठीक है। तो ये भी बात बताऊंगा अभी, तो मैं थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 वीक कम से कम वेट करेंगे मेरिट लिस्ट अगर ब्लैंक है। अगर आपका 1 वीक के बाद भी अगर मेरिट लिस्ट ब्लैंक सॉल्व नहीं होता है, तो दिस मीन्स ये है कि आपका सेशन 2022-23 मेरिट लिस्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी या तो नो आ जाएगा या तो यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और या तो स्टेटस सेम का सेम रहेगा। तो आपको सेशन 2023 जो ये सेशन चल रहा है आपका, जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ भी कारण होगा 1 वीक बाद, तो वो बच्चे फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए एनएसपी ईशा उदय केस में, तो क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो टाइम बर्बाद नहीं होगा, ना ही टाइम वेस्ट होगा, बस आपको सिर्फ नेक्स्ट सेशन का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका नहीं भी होता है तो, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो देखो काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स में आए थे, तो मैं कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए हैं, किसी का 76.4% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, किसी का 75% में सिलेक्शन हो गया है। डिपेंड करता है आपके कोर्स क्या है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन क्या है, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हो, डिपेंड करता है काफी सारी फैमिली इनकम इनकम के ऊपर, ठीक है। तो ये अगर ये चीजें हैं तो कहीं ना कहीं कम रहेगी, तो कम परसेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैंने ये भी देखा है कि 55% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हालांकि असम में ही बात हुई, 55% में भी सिलेक्शन हुआ है। इस बस जो मेरिट का रेशियो है बहुत अच्छा गया है, 55-60-60-75 में अच्छे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। अब तो ये अच्छी बात है, अगर आपके मार्क्स 75, इनकम कम है, ठीक है, एज आपकी कम है और कोर्स आपका अच्छा है या कोर्स में कॉम्पिटिशन आपका कम है, तो डेफिनेटली मान लीजिए आपका सिलेक्शन
हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। एक बच्चे और थे, इनके हैव बीन फॉलोइंग यू टू यू फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड फाइनली आई गॉट सेट, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल, ओके। एंड उसके बाद रिन्यूअल अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिन्यूअल का प्रोसेस बता दूंगा कैसे करना है। पेमेंट बहुत जल्द आएगा, एनएसपी 2 पेमेंट्स हो जाने के बाद पेमेंट बहुत जल्द आएगा, एक भी कम से कम वेट कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। रिन्यूअल वालों मैं यही कहूंगा, जो रिन्यूअल कर रहे हैं, जिन्होंने रिन्यूअल का पैसा नहीं आया है, सेंड 2 पीएमएस नहीं हुआ है, हो सकता है फ्रेश वालों की मेरिट लिस्ट के आधार पर सेकंड फेज आपका स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि पैसा सबको मिलेगा, चाहे रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश हो, भले टाइम लगेगा लेकिन पैसा सबको मिलेगा। तो रिन्यूअल वाले रिन्यूअल कीजिए, फ्रेश वाले अगर आपको पैसा नहीं भी मिल रहा है या एनएसपी 2 पीएमएस हो चुका है तब भी आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है, पैसा आपको बाद में डेफिनेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये हमेशा यूजीसी देती है, एनएसपी पैसा देती है लेकिन लेट देती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही कहूंगा आज के लिए, इतना ही।